सरदाना जी, आपको लोकसभा चुनाव जैसे 12 मई को होने वाला है सिरसा में, तो यहाँ पर अशोक तंवर कांग्रेस की तरफ से भी अपना दमखम दिखा रहे हैं और पूर्व अधिकारी जो आईपीएस अधिकारी हैं सुनीता दुग्गल भी यहाँ पे अपना दमखम दिखा रही है और मोदी के नाम पर जीतने का दम भर रहे हैं। और वहीं सिरसा का ग्रह इनेलो का ग्रह क्षेत्र रहा है सिरसा, तो वो भी अपने सांसद को जिताने की चाह में दोबारा बैठे हैं। तो आपको क्या लगती है वर्तमान स्थिति क्या है सिरसा लोकसभा की? देखिए, अगर ईमानदारी की बात करें तो इसमें कोई दोहराए नहीं कि आज के दिन में सुनीता दुग्गल का एक बार ग्राफ फिर ऊपर हो गया है। कुछ दिन पहले जो डॉक्टर अशोक तंवर थे उनका ग्राफ काफ़ी ऊंचा हो गया था। जो भाव जो सट्टा बाजार या जिनको ऐसा लोग मानते हैं, मुझे नहीं पता ये सट्टा बाजार क्या है, लेकिन जनमत की आवाज़ यह है कि पहले जो चीज़ 20 पैसे और 100 पैसे का रेशो था वो बढ़कर तंवर के पक्ष में 65 से 70 पैसे हो गया था, और आज वही ग्राफ दोबारा गिरकर 55 और 45 पैसे के बीच में भी आ गया है। और इसके पीछे कारण क्या रहा है इसका पता नहीं लग रहा, लेकिन मेरा मानना है कि लोगों का ये मानना है कि बेशक लोग बीजेपी से भी तंग है, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व आई मीन टू से कि जो केंद्र में कांग्रेस का नेतृत्व करेगा, लोगों को उस पर कहीं विश्वास नहीं है। और अगर वो ऐसा नहीं मिलता उनके पास बीजेपी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बच जाता। आज बीजेपी के बराबर लोगों को अगर कोई ऑप्शन मिलता है तो कोई दो राय नहीं कि बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन अब बीजेपी का सत्ता में आना लोगों की मजबूरी है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जो सुनीता दुग्गल है वो लोकसभा क्षेत्र सिरसा से विजयी होगी, और परिणाम क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, ये मेरा अपना मानना है। नहीं तो सुनीता दुग्गल का ग्राफ बढ़ा या फिर नरेंद्र मोदी का ग्राफ बढ़ा है? बात सुनीता दुग्गल और बात नरेंद्र मोदी की नहीं है। सुनीता दुग्गल ये नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी सुनीता दुग्गल है, क्योंकि ये दोनों बीजेपी से हैं। बीजेपी का आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्राफ बढ़ा है, वो भारत में हमारी साख बढ़ी है। वो जो नेतृत्व बीजेपी नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है वो वास्तव में तारीफ़ काबिल है। आज के दिन मैं इसको ईमानदारी से बात करता हूँ, मुझे ना बीजेपी से लगाओ, ना मुझे कांग्रेस से लगाओ, ना मुझे किसी और पार्टी से लगाओ। लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि हमारे केंद्र के अंदर जो नेतृत्व करके हमारी सरकार को चला सके, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी लोगों के पास ऑप्शन बचता है। तो अगर नरेंद्र मोदी से बढ़िया कोई और उनको ऑप्शन मिले तो लोग नरेंद्र मोदी को भी त्याग सकते हैं। आप अधिवक्ता भी हैं और आपने जैसे कहा ऑप्शन नहीं है लोगों के पास, तो क्या लोकतंत्र में ऐसा होना भी ऑप्शन ना हो वोटिंग के लिए, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हो? देखिए, ऑप्शन तो चुनाव लड़ने का अधिकार तो प्रत्येक व्यक्ति को है। जब ऐसा कोई व्यक्ति सामने जनता को लग ही नहीं रहा कि कोई आए, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन सामने कोई नहीं आ रहा, लोगों को दिख नहीं रहा, इस बात को लेकर मैंने बोला कि पब्लिक के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो जैसे आपने कहा पब्लिक जो है मजबूरी बस बीजेपी को वोट दे रहे, तो ऐसी मजबूरी मतलब लोकतंत्र के अंदर मजबूरी बस वोट देना, ये आप किस तरह देखते हैं? मजबूरी जो है ये सत्ता नेतृत्व की है। सत्ता नेतृत्व हर वर्ग हर बंदा यही चाहता है कि हमारे देश की जो बागडोर किसी एक अच्छे नेतृत्व के हाथ में हो, और वो नेतृत्व लोग ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी कर सकते हैं ऐसा। तो क्या सिरसा के लोग हैं वो नरेंद्र मोदी को वोट देंगे या फिर सुनीता दुग्गल को देखकर वोट देंगे? मैंने पहले भी कह दिया कि नरेंद्र मोदी ही सुनीता दुग्गल है और सुनीता दुग्गल ही नरेंद्र मोदी है, और दोनों बीजेपी है। अगर आप तीनों की बात करोगे तीनों एक है। तो दूसरी जो इनेलो का ग्रह क्षेत्र है सिरसा, तो इस पे क्या असर रहेगा सुनीता दुग्गल कोई? देखिए, बेशक ये नरेंद्र सॉरी इनका इनेलो का ये ग्रह क्षेत्र है, तो इनेलो के बारे में सर्वविदित है कि इनेलो की हालात आज क्या है, और इनेलो के वोट का बट्टादार भी हो चुका है। दूसरी बात,
ले दे कि अगर कहीं इन आलों के बारे में लोग विचार भी करें, क्योंकि इससे पूर्व भी जो हमारे एमपी रह चुके हैं सिरसा से, वो इन आलो सरकार से, इन आलो पार्टी से ही रह चुके हैं, तो लोगों का ये मानना है कि उनके क्षेत्र में विकास की दृष्टि से बहुत ही भेदभाव हुआ है, चाहे वो सत्ता पक्ष के एमपी नहीं थे, या एमपी ने ध्यान नहीं दिया, या इसके पीछे और कोई भी कारण हो, विकास का पहिया सरसा, पूरे सरसा जिला में, सुरसा जिला की बात नहीं, मैं सिरसा जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र जो है उसके पूरे क्षेत्र में विकास का कार्य नहीं हुआ, तो ऐसे में लोगों को ये लग रहा है कि इनेलो का तो मुझे लग रहा है कि कोई भी उसमें आने वाला नहीं है। तो सुनीता दुग्गल का फाइट किससे मानते हैं आप सिरसा में? देखो फाइट तो अगर ये बात अगर सुनीता दुग्गल से पूछो तो सुनीता दुग्गल कहते हैं जनता बताएगी।